तो गाइस आज का वीडियो उन एनिमे लवर्स के लिए है जिन्हें क्वालिटी कंटेंट का सच पता है। इस क्वालिटी कंटेंट में मैंने आपके लिए टॉप 10 एनिमे शोज निकाले हैं। इसमें मैंने ये भी बताया कि इनके कितने सीजन हैं और आप इन सबको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो चलिए काउंट डाउन शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है टोक्यो घोल, आईएमडीबी रेटिंग 7.8। टोक्यो कॉलेज के एक स्टूडेंट पर घोल अटैक कर देते हैं। ये घोल सुपर पावर्ड ह्यूमंस होते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं। वो लड़का तो इस घोल से बच जाता है पर वो भी अब घोल का पार्ट बन जाता है और इसी वजह से वो फरार हो जाता है। इस सीरीज के 3 सीजन है। नंबर 9 पर है डॉक्टर स्टोन, आईएमडीबी रेटिंग 8.2। 3000 साल बाद एक मिस्टीरियस फिनोमेना अर्थ पर हुआ और इस वजह से हर पर्सन स्टॉर्म में बदल गए। दो बेस्ट फ्रेंड, एक साइंस जीनियस और एक पैशनेट स्ट्रॉन्ग मैन कुछ तरीके खोजते हैं जिससे वापस से वो पत्थर बने हुए लोगों को इंसानों में बदल सके। इस सीरीज के 2 सीजन है। नंबर 8, द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो, आईएमडीबी रेटिंग 8.0। सिर्फ एक शील्ड से लेस एक आदमी दुनिया के सभी ग्रेट डिफेंडर्स में से एक चुना जाता है, लेकिन जब एक विश्वासघात उसके साथ होता है तो उसकी रेपुटेशन को वो चकनाचूर कर देता है। तब वो अपने कुछ साथियों के साथ बुराई से लड़ते हुए जनता का विश्वास और अपनी खोई हुई रेपुटेशन फिर से हासिल करने की कोशिश करता है। नंबर 7, पैरासाइट, आईएमडीबी रेटिंग 8.3। टीनेजर शिनिची एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जो अपने पेरेंट्स के साथ टोक्यो के एक शांत इलाके में रहता है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब बॉम्ब्स से दिखने वाले क्रिएचर्स पैरासाइट अर्थ पर दिखाई देते हैं जो इंसानों के कान और नाक में घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं। ऐसा ही एक पैरासाइट शिनिची के कान में घुसने की कोशिश करता है जब वो एक रात को सो रहा होता है, लेकिन उसके हेडफोन पैरासाइट को घुसने नहीं देते। इसलिए पैरासाइट जिसका नाम मिगी है वो शिनिची के हाथ में घुस जाता है और उसके राइट हेड को कंट्रोल कर लेता है। शिनिची और मिगी अब मिलकर एक नया बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि वो अपनी इस अजीब सिचुएशन से बचने के लिए मिलकर काम करते हैं। नंबर 6, योर लाइफ इन अप्रैल, आईएमडीबी रेटिंग 8.6। पियानो एक्सपर्ट कोशी अरिमा को अपनी माँ की मौत के बाद मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और इसी वजह से वो अपना पियानो सुन भी नहीं सकती और दुनिया को मोनोक्रोम से देखती है। पर अपने दोस्तों की मदद से वो अपने मेंटल ब्लॉकेज को दूर करना शुरू कर देती है और फिर से पियानो बजाना शुरू करती है। इस सीरीज को आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज बताती है कि लाइफ में फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, द प्रॉमिस नेवरलैंड, आईएमडीबी रेटिंग 8.6। जब एक ऑर्फन एज में 3 प्रतिभाशाली बच्चों को उस सीक्रेट और टेरिबल पर्पस का पता चलता है जिसके लिए वो बड़े हुए, तो वो अपने बदमाश केयरटेकर से बचने का रास्ता खोजते हैं और दूसरे बच्चों को भी उस ऑर्फन एज से निकालने का प्लान बनाते हैं। नंबर 4, डीमन स्लेयर, आईएमडीबी रेटिंग 8.7। डीमन्स द्वारा एक परिवार पर हमला किया जाता है और केवल 2 मेंबर्स ही जिंदा बचते हैं, तंजीरो और उसकी बहन नेजुको, जो धीरे धीरे डीमन में बदल रहे हैं। तंजीरो अपने परिवार का बदला लेने और अपनी बहन को ठीक करने के लिए एक डीमन बनने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3, वन पंच मैन, आईएमडीबी रेटिंग 8.8। सुपर ह्यूमन की इस दुनिया में साइतामा एक यूनिक हीरो अपने दुश्मनों को सिर्फ एक पंच से ही हरा देता है, पर इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक सुपर हीरो होने की वजह से उसे अपनी लाइफ खाली लगती है। उसे सुपर हीरो की लाइफ पूरी तरह से पॉइंटलेस लगती है। उसकी इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से उसके सर के सारे बाल झड़ जाते हैं, साथ के साथ वो चैलेंजिंग फाइट की एब्सेंस से भी ऊब जाता है। नंबर 2, अटैक ऑन टाइटन, आईएमडीबी रेटिंग 8.9। 100 साल पहले जब आदम टाइटन पहली बार सामने आए तो इंसानों को बहुत बड़ी दीवार के पीछे छुपना पड़ा क्योंकि वो टाइटन इस बड़ी दीवार को नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन जब एक बहुत बड़ा टाइटन उस दीवार को तोड़ देता है जिसके पीछे इंसान छुपे हुए थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस समझ रहे थे, इसके बाद होने वाले नरसंहार के दौरान सैनिक एरिक देखता है कि एक टाइटन उसकी माँ को खा जाता है, जो उसे प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित करता है कि वो हर टाइटन को मार डालेगा। कुछ दोस्तों को शामिल करता है जो उसकी मदद के लिए बच गए थे। वो ग्रुप टाइटन के हाथों खत्म होने से बचने के लिए मानव की आखिरी उम्मीद है। नंबर 1, डेथ नोट, आईएमडीबी रेटिंग 9.0। एक इंटेलिजेंट लेकिन सिनिकल हाई स्कूल स्टूडेंट ने एक जादुई नोटबुक की मदद से दुनिया को बुराई से साफ करना शुरू कर दिया है, जो किसी को भी मार सकता है जिसका नाम उस नोटबुक पर लिखा है। इंटरनेशनल अथॉरिटीज ने उसके प्रयासों को फेल करने के लिए एल नाम के एक मिस्टीरियस जासूस को बुलाया है। आई होप आपने हमारी बताई गई टॉप 10 एनिमे की लिस्ट को एंजॉय किया होगा। हमें आप अपनी फेवरेट एनिमे सीरीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यार, हमेशा की तरह क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा है और सभी को लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस प्लस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सभी हॉलीवुड और बॉलीवुड और वेब सीरीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे बॉक्स ऑफिस प्लस के इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी रैंडम देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।